आगरा में थाना हरि पर्वत क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लग गई। पुलिस ने मौके से दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आनन फानन में पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया है। थाना हरि पर्वत पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी है जब चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने अपने नाम कबीर उर्फ कपिल और नदीम बताया। पुलिस पकड़े गए बदमाश का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। आज यहाँ थाना हरि पर्वत क्षेत्र में पुलिस को एक सूचना मिली कि दो अपराधी यहाँ क्षेत्र में चोरी किए माल को लेकर भाग रहे हैं, और तभी पुलिस ने अपना गश्त लगाया और गश्त के दौरान उन्हें रोका गया, लेकिन उन्होंने पुलिस के साथ गाली गलौज की और पुलिस के ऊपर मारने की नीयत से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, उसमें एक व्यक्ति जो कबीर नाम का है उस कपिल उर्फ हफ्जी, उसके पैर में गोली लगी है, वो घायल हुआ है और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मौके से उसके दूसरे साथी जिसका नाम है नदीम, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से चोरी के काफ़ी माल बरामद हुए हैं। इन दोनों के बारे में जानकारी की गई थी। इनके पास इनके पूर्व से बहुत से दर्जनों मुकदमे हैं और ये कई बार जेल जा चुके हैं। आगे इनके बारे में तफ्तीश कर और विवेचना की जाएगी और इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बदमाश कबीर उर्फ कपिल और नदीम को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से सज्जन सागर की रिपोर्ट।